जय भारत दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12th के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 36 तक कर चुके हैं। डीक्यू गोयल सर की बुक से चैप्टर नंबर 4 चल रहा था हमारा। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37, ए बी और सी तीन पार्ट है इस क्वेश्चन में। क्या है इसमें खास, क्या है इसमें बेहतरीन, चलिए जानते हैं क्वेश्चन से। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। गुडविल अपीयर्स इन देयर बैलेंस शीट एट 24,000। मतलब साहब कोई अलग ही बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में है, गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में है और वो 24,000 रुपए की है। सर ये क्या नई चीज सी आ गई है, ये क्या है जिनके बारे में अब से लेकर अब तक हमने इस बारे में सुना नहीं है इतने बेहतरीन तरीके से जो अब ये पहले बता रहा है। गाइज, ये गुडविल वही है जो एसेट साइड में दिखती थी, जो एसेट्स में दिखती तो थी पर एसेट्स नहीं होती थी, इसको हम एज अ लॉस ट्रीट कर पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करते थे और गुडविल को क्रेडिट करके खत्म करते थे। अच्छा, मतलब गुडविल तो है पर गुडविल नहीं है। अरे क्या बोल दिया, गुडविल तो है पर गुडविल नहीं है, सिर्फ नाम गुडविल है और हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो वैल्यूड गुडविल से मतलब होता था। गुडविल जो बैलेंस शीट के बाद दी होती थी, एडजस्टमेंट में दी होती थी, जिसको निकालने के कई फॉर्मूले होते थे, उस गुडविल से मतलब है, हमें इससे अभी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लिख लिया हमारे क्योंकि इन्फॉर्मेशन में काम में आ सकती है। सी को एडमिट किया साहब इन्होंने 1/5 शेयर के लिए, बहुत बढ़िया बात है इनको, सी आ जा भाई 1/5 शेयर ले जा। आगे बढ़े, ही पेस 50,000 फॉर इस कैपिटल एंड 8,000 एज इज गुडविल। अरे भैया 50,000 लाया है तू कैपिटल का और 8,000 लाया गुडविल का, तो एक बात बता हमको क्या करना है इसमें। सर एक तो एंट्री पास करेंगे कैपिटल की, एक पास करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल की और इसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। उसके लिए हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा या फिर दिया होगा। तो साहब न्यू रेशियो दिया है 2:2:1। मतलब आपको जो मेहनत करनी है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए करनी है, आपको जो मेहनत करनी है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए मेहनत करनी है। तो चलिए दोस्त आगे पढ़ते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसमें सिर्फ ए सेक्रीफाइस है, बी नहीं है। क्यों सर, आपने क्वेश्चन को याद कर लिया है या कहीं से आंसर देख लिया है? मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया मेरे दोस्त। देखो ये भी 2/5 और ये भी 2/5, 0 आएगा, इसको चाहिए 1/5, ये इसका कम कर रहा है। सर ऐसी ट्रिक हमें भी था, ये कोई ट्रिक नहीं है। जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे हम जब अगस्त सितंबर में आपसे मुलाकात करेंगे तो आपका दिमाग भी कुछ इस लेवल पर वर्क करने लगेगा और मुझे बेहद खुशी होगी उस समय पर। चलिए दोस्त क्वेश्चन में क्या क्या खास है। पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट। सारे के सारे एडजस्टमेंट बोलने को बोल रहा है साहब, तो हमें सब करने पड़ेंगे। इसको हम बहुत पहले से किया करते थे, इसको भी हम बहुत पहले से किया करते थे। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लास्ट क्वेश्चन में भी निकाला था। केवल एक नई चीज़ जो आपको सीखनी है वो ये सीखनी है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक एक करके आगे बढ़ते हैं दोस्त। सबसे पहले ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, फिर बी ने कितना सेक्रीफाइस किया। ए का शेयर था साहब 3/5 और बी का शेयर था साहब 2/5 ओल्ड, न्यू था साहब 2/5 और सर न्यू था 2/5। तो बंदे ने एक सेक्रीफाइस किया 1/5, बंदे ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। मुझे बता दो मेरी कॉन्सेप्ट की वीडियो के अनुसार ये पार्ट ए है, बी है, सी है, डी है या ई है। ई है सर, इससे क्या फर्क पड़ता है ए बी सी डी ओ, हमें तो सिर्फ इसने सेक्रीफाइस किया इसे क्रेडिट करना है। आप एक्स्ट्रा ज्ञान क्यों दे रहे हो, सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनमें एक जीनियस फैक्टर है, वो इस बात को जरूर समझे कि जो हमने पढ़ा रखा है, जो हमने पढ़ रखा है, सिर्फ वही घूम कर आपके पास आ रहा है। तो गाइस इस वाले में हम कोई रेशियो नहीं करेंगे, ओनली
ओनली ए सेक्रीफाइजेस वन अपॉन फिफ्थ शेयर, ओनली ओनली ए सेक्रीफाइस कर रहा है वन फिफ्थ शेयर, तो सिर्फ इसी को हम क्रेडिट करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट से। चलिए देखते हैं कैसे होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना कितना लिखूं बोलो जरा। सर कैपिटल में लिखिए आप 50,000, प्रीमियम में लिखिए आप 8,000, दोनों को मिलाकर लिखिए 58,000। नरेशन सब बच्चे बताएंगे मुझे। बींग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट बाय सी, अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट बाय सी। नेक्स्ट बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करूं तो क्रेडिट किसको करूं? कौन है सेक्रीफाइजिंग पार्टनर, कौन होगा क्रेडिट मुझे बता दो। कौन है सेक्रीफाइजिंग पार्टनर, कौन होगा क्रेडिट मुझे बता दो। सर मिस्टर ए होगा, मिस्टर ए होगा क्रेडिट सारे एक के सारे पूरे एक के पूरे अमाउंट से 8,000 रुपये। बींग एस कैपिटल क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। नेक्स्ट सर, अब कौन सी एंट्री रह गई? सर ये विड्रॉ तो कर नहीं रहे पैसा, आप ये कैश कर रहे हैं जो, तो चलिए साहब इस गुडविल को भी तो खत्म करना है। सर ये है क्या, मैंने एक बार याद दिलाओ जरा, क्या आपने हमें पढ़ा रखी है? मैंने बेटा ये दो दो बार पढ़ाई है, तीन तीन बार पढ़ाई है शायद आपको। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाई थी कि गुडविल दो तरीके की होती है, एक बैलेंस शीट वाली गुडविल और एक वैल्यूड वाली गुडविल। बैलेंस शीट वाली बैलेंस शीट के एसेट साइड में तो दी होगी पर एसेट नहीं होगी, और वैल्यूड गुडविल हमेशा बैलेंस शीट के बाहर दी होगी, एडजस्टमेंट में दी होगी। बैलेंस शीट वाली गुडविल जो हमेशा ऑलवेज गिवन होगी, अगर अमाउंट होगा तो ये कभी कैलकुलेट नहीं होती, और वो कैलकुलेट होती है, वैल्यूड होती है, कई सारे मेथड्स होते हैं। दूसरी बात बच्चे, जब हम प्रॉफिट्स के एडजस्टमेंट करते थे, आपको याद है लास्ट चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, एडजस्टमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ, एक पार्टनर डेबिट एक क्रेडिट अकॉर्डिंग टू गेन्स एंड सेक्रीफाइसेस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, सर समय याद आ रहा है, तब इस गुडविल को माइनस किया करते थे बिकॉज इट इज अ लॉस, इसे हम लॉस की तरह ट्रीट करते थे। आज भी हम इसे खत्म करेंगे। देखो बैलेंस शीट में एसेट साइड दिए, एसेट साइड दिए मतलब बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस है इसका या नहीं है? है सर। इसे हम ओल्ड रेशियो में बांटा करते हैं, ये बात अगर आपको याद हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप जब क्वेश्चंस करेंगे ना बड़े वाले तो आपको वैसे भी याद हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, ए को डेबिट कर दिया, बी को डेबिट कर दिया, कितने कितने हिस्से करेंगे? 24 × 3/5 दैट इज 48 दिया, 14,400, 14,500 एंड 9,600। एक बार जरा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, शायद सही है। बींग, इसको बेटा जो लिखते हैं वो नरेशन याद रखिएगा, बींग गुडविल गिवन इन बैलेंस शीट रिटन ऑफ बोलते हैं बेटा इसको, इन ओल्ड रेशियो, ये बहुत बेहतरीन बात है कि पुरानी है बात, पुरानी है गुडविल, पुरानी बैलेंस शीट में दिए, पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट दी जाए। इतना पुराना क्यों? ताकि आपको पुराना रेशियो याद हो जाए कि ये जो गुडविल है वो पुराने रेशियो में जाएगी, पुराने रेशियो में बटेगी। सर आपने ये जस्ट रिसेंट पढ़ाया क्या? तो बेटा अभी पढ़ाया था आपको कॉन्सेप्ट नंबर 3, गुडविल टाइप का जो कॉन्सेप्ट था हमारा, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इसका नाम रखा था, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, वहाँ मैंने छोटी सी बात बताई थी कि बैलेंस शीट वाली गुडविल को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मारता, सबसे एंड में बताई थी ये बात। तो गाइस इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 37 ए पार्ट हो जाता है। चलिए चलते हैं 37 के बी पर। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स खुल के यूज़ करें। 37 का बी क्या बोलता है खास? पी एंड एस, ओहो पी एंड एस, आर को लेके आ रहे हैं ये लोग, देखा पी और एस प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं साहब 3:2 में, बहुत बढ़िया। बुक शोड गुडविल, अरे क्या है सर अभी वाली है क्या, सेम है क्या? हाँ साहब सेम है, गुडविल है, बैलेंस शीट में दी होगी, एसेट साइड में दी होगी, बट एसेट्स नहीं होगी 20,000 की। अगर बटेगी
हटेगी, बटेगी, फटेगी, कुछ भी बोल लो, रिटर्न ऑफ होगी, तो बेटा ओल्ड रेशियो में होगी। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, ये बात नहीं याद रखोगे तो याद हो जाएगी। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। आर आया नया पार्टनर, आर आया 1/5 लेके उधार आया, आर आया 1/5 लेके उधार आया, और आर बोल रहा है कि मुझे 1/5 शेयर चाहिए, और वो भी इक्वली चाहिए पी और एस से। हे आर, हे आर, हे आर, पेन टूट गया क्या? इक्वली चाहिए बेटा, मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, टुकड़े नहीं है, टुकड़े नहीं है तोड़ दो, टुकड़े नहीं है तोड़ दो, जिसे हम प्यार से बोलते थे पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम। समझ में आया क्या? बोलो रे, समझ में आया क्या? पी और एस से बेटा बराबर 1/10, 1/10 के टुकड़े देंगे। आर जो है साहब वो 20,000 रुपये कैपिटल आ रहा है। अरे यार तो कितना है मजेदार, हे यार तो कितना है मजेदार, 20,000 कैपिटल और 10,000 गुडविल ला रहा है, 20,000 कैपिटल और 10,000 गुडविल ला रहा है, ये तो हमें पता है। तो ये बता, प्रॉफिट भी है साहब एंड में, एंड में प्रॉफिट भी है, चलो उसकी बात तब करेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बेटा मजे जो है ना आपको, वो मैं दिलवा रहा हूँ पहले से ही, कैपिटल और ये गुडविल। गुडविल कौन सी बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल। कौन सी वाली बेटा? वैल्यूड गुडविल। कौन सी वाली बेटा? जो एडजस्टमेंट में दी गई। कौन सी वाली बेटा? जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बढ़ती है। सर इस क्वेश्चन से पहले मैं ऊपर कुछ चीज लिख रहा हूं बेटा, उस चीज को ध्यान देना जरा। ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो। सर ये क्या है? ये कुछ विभिन्न प्रकार के रेशियो हैं जो विभिन्न तरीकों से काम में आएंगे फॉर विभिन्न चीज़ों को बांटने के लिए। चलिए देखते हैं सारे के सारे काम आएंगे क्या सर? सर गेनिंग भी तो होता है, होता है या नहीं आएगा अगले चैप्टर में आएगा, इंतजार कीजिए। सुनो मेरी बात, इस गुडविल को आप कब से जानते हो? सर बहुत दिन से जानते हैं, इसको निकालना सीखा था हमने लास्ट चैप्टर में, अलग अलग तरीकों से, बेहतरीन बेहतरीन तरीकों से निकाला था, पर हमें यहाँ निकली हुई दी हुई है, इवन उसका शेयर भी दिया है हमें, तो उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है। बहुत बेहतरीन। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालने के लिए हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो की सामग्री चाहिए होती है। ओल्ड रेशियो की सामग्री हमेशा तैयार होती है, न्यू रेशियो की कभी तैयार होती है कभी तैयार नहीं होती है। हम इस वाले क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकाल लेंगे। चलो बेटा लेट ना करते हुए हमारा टॉपिक शुरू होता है। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन, और मेरी समझ से तो आप इसको हैशटैग लगा लो फॉर रिवीजन पर्पस, या आर लिख लो। कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब कभी बेटा तीन चार पार्टनर आए एक ही क्वेश्चन में तो क्या करोगे? ऑन द एडमिशन ऑफ आर, ऑन द एडमिशन ऑफ एस, ऐसे कर लोगे ना, इसमें नहीं करना है। कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो साहब सबसे पहले आर एक्वायर्ड, जो इसकी लैंग्वेज वही लिख रहा हूँ मैं, 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/3, सेम बेटा यहाँ पर ये रफली है, फ्रॉम पी एंड एस। आर जो है इससे भी इतने ही लेगा और इससे भी इतने ही लेगा। सुनना मेरी बात क्या है, सुनना मेरी बात क्या है, पी इज न्यू शेयर, पी तुम्हारा पुराना शेयर क्या था? बोला 3/5। मैंने कहा तुम्हारे में से मैं 1/10 घटा रहा हूं। क्यों? मैं बोला आर को चाहिए। बोला आर कौन है? मैंने कहा आर तुम्हारा नया पार्टनर है जो 1/5 शेयर के लिए आया है, एक एडिशनल कंडीशन लाया है कि मुझे आधा मेरे दोस्त पी से चाहिए और आधा मेरे दोस्त एस से चाहिए। मैंने कहा चलिए बेटा देखो कब सीखा था तुमने, आई थिंक 15 दिन तो मुझे हो गए पढ़ाए हुए, फिर भी काम में आ रहा आज तक। यही होती है मजेदार पढ़ाई, पढ़ाता था और काम आ रहा है अब। सेम चीज बेटा हम एस के लिए लिखेंगे। एस तुम्हारा पुराना शेयर क्या है? बोला 2/5 जी लिखा है। मैंने बोला तुम्हारे में से मैं 1/10 घटा रहा हूँ। बोला क्यों? मैंने बोला ए आर को चाहिए। उन्हें आर कौन है? उनका आर तुम्हारा नया पार्टनर है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है दे दो। अब बेटा न्यू रेशियो में कौन कौन व्यक्ति आएंगे एक बात ध्यान रखना बेटा, इन्होंने झोल कर रखा है लोगों का, पी एस और आर 5:3:2। सब लोगों को रेशियो निकालना आ रहा है या कोई अभी भी असमर्थ है? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
मेरे जीनियस बच्चे जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं और पिछले कई दिनों से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कई सारे कमेंट कर रहे हैं, वो मेरे को बेटा एक बार में ही कमेंट बॉक्स में बताना सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगा। सर वो तो निकालना पड़ेगा। नहीं, बिना निकाले बताओ जरा क्या आएगा। सर हम बताएं, वीडियो पॉज करो पहले। सर हम बताएं, वो आएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जो कि एंड में 1:1 निकलेगा। ये बात हमें पता है, ये बात हमें पता है। तो बेटा सुनो, तुम्हारी बात कितनी सही कितनी गलत और मेरी भी बात कितनी सही कितनी गलत, चलिए जांचते हैं। पी इज सेक्रीफाइस और एस सेक्रीफाइस। ओल्ड क्या है बोल, बोल पी बोल, तेरा ओल्ड शेयर क्या है, बोल पी बोल तेरा न्यू शेयर क्या है, और बोल एस बोल तेरा न्यू शेयर क्या है। ऐसा लगता हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमसे बातें कर रहे हैं, ऐसा ही फील होना चाहिए। पढ़ाई कभी बोरियत नहीं लगेगी। 2, 3 जा 6, 6 में से 5 गए। सर अभी अभी ऐसी कैलकुलेशन करिए बेटा, यही तो है, ये रहा ओल्ड, ओल्ड ओल्ड की जगह है। यहाँ सेक्रीफाइस घटा देते थे, अब यहाँ न्यू घटाओगे तो जे इधर आ जाएगा, जे इधर आ जाएगा। देखिए वाल 4 में से 3 गए, आ गए ये टुकड़े, ये रहे 1:1 आपने बोला ही था। तो साहब सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर 1:1, और ये हमारे किस काम में आएगा साहब, ये हमारे प्रीमियम के काम में आएगा। तो हमने दो चीज़ें निपटा दी बेटा, सारी बातें यहाँ पर याद रखना। अच्छा एक मैंने प्रॉफिट की चीज़ लिखी नहीं है, जो काम में आएगी वो भी काम में आएगी, 1,00,000 रुपया प्रॉफिट आफ्टर आर, आफ्टर आर मतलब आर के आने के बाद। हाँ जी साहब, अब बताओ मेरे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो काम में आया नहीं आया? आ गया सर, अभी कहाँ आया सर, अब आएगा। तो चलिए साहब चलो क्वेश्चन देख लेंगे। सर 3 रेशियो काम में आने हैं, 3 रेशियो काम में आने हैं, तीनों कैसे काम में आने हैं मैं देखो करवाता हूँ आपको। सबसे पहले ओल्ड रेशियो काम में आएगा, कैसे, ये जो 20,000 रुपये की गुडविल है ये कौन से रेशियो बटेगी, ये सर ओल्ड रेशियो बटेगी। कितने बच्चों को ऐसा लगता है ये ओल्ड में बटनी चाहिए, अभी अभी आप करके आए थे इसी क्वेश्चन को, सेम था ये। 2 गुडविल अकाउंट, पी के कैपिटल के अकाउंट और आस एस के कैपिटल के अकाउंट। सर एक बार फिर समझा दो ना, शायद हमने लास्ट क्वेश्चन आपकी वीडियो से नहीं किया हो। सुनो मेरी बात, ये वही गुडविल है जो गुडविल बैलेंस शीट में दी होती है, नाम के लिए गुडविल होती है पर गुडविल नहीं होती है, ये गुडविल एसेट साइड में दी होती है पर एसेट नहीं होती है, होता है ये लॉस। किसी भी नए पार्टनर के आने के बाद या कभी चेंज हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या कोई पार्टनर कभी चला जाता हो या कोई पार्टनर कभी मर जाता हो, जो आने वाले चैप्टरों में सीखेंगे, इस गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा, इस गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। द रीजन बिहाइंड दिस, पुरानी है गुडविल, गाना सुना था ऊंची है बिल्डिंग, पुरानी है गुडविल, पुरानी है बैलेंस शीट और रेशियो था पुराना, बस ओल्ड पार्टनर में बांट दो ओल्ड रेशियो। पुरानी थी गुडविल, पुराना था रेशियो, पुराने थे पार्टनर, बांट दो ओल्ड रेशियो में, खत्म करो इस कलेश को। 20,000 की गुडविल थी बेटा, 3:2 में बटेगी, 12,000 इधर और 8,000 इधर। यहाँ क्या लिखेंगे हम, बींग गुडविल राइट ऑफ, राइट ऑफ समझ, तो खत्म करना होता है बेटा इन ओल्ड रेशियो। 3 रेशियो मैंने बोला आपको काम में आएंगे इस क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो आपका काम में आ चुका है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो कुछ मिलेगा, वो मिलेगा हे आप 20 का कैपिटल और 10 का प्रीमियम लेकर तू कहाँ आ रहा है? बोला मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, हे मिस्टर पी, हे मिस्टर आर, दरवाजा खोलो अपने फॉर्म का और मेरे से पैसा ले लो। मैंने बोला किस बात का पैसा? वो बोला 20,000 की कैपिटल और 10,000 का प्रीमियम आपके दोस्त ने मुझे बताया है। मैंने कहा बड़ी ही अच्छी बात है, आपके 10,000 का प्रीमियम, आपके 10,000 का हम प्रीमियम सेक्रीफाइस रेशियो में बांटें क्या? मैंने बोला हाँ, बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन कैश। नेक्स्ट चीज बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 रुपये, पी को बांटेंगे 5। सर ये किस रेशियो में बांट रहे हो आप, ओल्ड में, न्यू में या सेक्रीफाइस में? सभी बच्चे बोले एक साथ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जितना होगा लाउड उतना होगा खुद पर प्राउड। बींग
प्रीमियम अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर। सर ओल्ड क्यों लिख रहे हो सेक्रेटरी पे? मेरा मन यार, मेरा मन, तुम्हारा मन भी तो करता है ना कभी कभी उल्टी हरकतें करने का, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अक्सर ओल्ड पार्टनर ही होते हैं, तो मैं ओल्ड पार्टनर लिख दूं या सेक्रीफाइसिंग, फर्क क्या पड़ता है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। सर अब क्या आगे बढ़ते हैं, ओल्ड यहाँ काम आ गया, सेक्रीफाइसिंग यहाँ काम आ गया, अब क्या बचा आपके पास? मैंने बोला अरे देखो प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 1,00,000 रुपये। मैंने बोला था ना ओल्ड भी काम आएगा, न्यू भी काम आएगा और सेक्रीफाइसिंग भी। न्यू रेशियो पहली बार काम आ रहा है बेटा, क्यों करा रहे हैं आपको? ताकि आप धीरे 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 चलना सीखो, धीरे 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 आप दौड़ना सीखो, धीरे 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 आपको चीज़ों की नॉलेज बढ़ रही है, और धीरे 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 सर बड़ा तेज तेज बोल रहे हैं धीरे धीरे। तो बेटा न्यू रेशियो में आपको बांटेंगे प्रॉफिट, क्यों? रीजन बता रहा है। देखो गुडविल पुरानी थी, आर के आने से पहले की गुडविल थी, तो आर के आने से पहले खत्म की, आर के आने से पहले की गुडविल थी तो आर के आने से पहले खत्म की। रेशियो था पुराना, पार्टनर्स थे पुराने। आर के आने के बाद वो प्रीमियम को हमने बांटा, और आर के आने के बाद अब प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट को हम देंगे मिस्टर पी को, एस को और आर को। सर ये क्या किया आपने, इनको तो क्रेडिट कर दिया आपने। क्योंकि साहब, क्योंकि साहब जब जब कोई प्रॉफिट हो तब पार्टनर क्रेडिट होता है, ऐसा बोला है। 5:3:2 में 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट जाएगा, 50,000। सर ये तो रट्टा वेकेशन लग रहा है, दोबारा बताइए ना गुडविल के तरीके से। बेटा गुडविल का बैलेंस था, डेबिट एसेट साइड में थी, तो डेबिट का बैलेंस खत्म करने के लिए क्या किया मैंने? क्रेडिट। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है नॉर्मली? क्रेडिट। खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे उसको? डेबिट। सर ऐसे पढ़ाते हैं आप, ऐसे पढ़ना चाहिए हमको, अगर अच्छा लगा तो ऐसे, कोई और चीज़ अच्छी लग रही है तो वैसे। बस ध्यान रहे इस प्रॉफिट को मैं कौन से रेशियो में बांटूंगा, ओल्ड में, न्यू में, सैक्रिफाइस में या गेन में? न्यू में। बींग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशियो आफ्टर एडमिशन ऑफ आर। क्लियर है दोस्त? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 37 का भी। 37 के सी को भी यहीं शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बेटा क्या क्या याद रखना है 37 के बी में। देखो आपने क्या था, ओल्ड था ओल्ड रेशियो का काम आया, न्यू था न्यू रेशियो का भी काम में आया, और सेक्रीफाइसिंग तो हमेशा प्रीमियम फॉर गुडविल में काम में आता ही आता है। जब जब कोई नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल में बढ़ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो के साथ, और नहीं लाएगा तो करंट अकाउंट के हिसाब से डेबिट हो गए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाता करता। 37 सी में देखते हैं क्या है खास, क्या है बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ए और बी दो पार्टनर है साहब जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3। सब एक जैसे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, 4:3 पार्टनर हैं ए और बी। हाँ जी साहब, गुडविल इनकी बुक्स में भी अपीयर कर रही है 2,80,000 रुपये की। अरे कितनी बार, यही वाली है बेटा गुडविल, जो कि एसेट साइड में तो दी होती है पर एसेट नहीं होती है। 2,80,000। सी को एडमिट किया साहब, और 1/7 शेयर के लिए नया पार्टनर आ गया इनका सी, 1/7 शेयर के लिए, और कोई भी एडिशनल कंडीशन नहीं है। सी वॉज आस्ट टू पे 75,000 फॉर गुडविल। चल बेटा 75,000 रुपये दे गुडविल के, कौन सी है बेटा? वैल्यूड गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, कौन से रेशियो बटेगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हाँ जी साहब, एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज बिटवीन ए एंड बी रिमेन अनचेंज्ड। किन किन बच्चों ने मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 7 किया या खुद से? क्वेश्चन नंबर 7 सर ऐसा क्या है उसमें, उसमें कई सारे पार्ट्स थे, और एक ऐसा था जिसमें पॉइंट नंबर 1 में ही लिखा था कि ए और बी के रेशियो वही रहेंगे, तो यही काम हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, देखिए कैसे होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 का पार्ट ए लगेगा, 1/7 शेयर के लिए आ रहा है बंदा। पार्ट ए के अनुसार न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1 लेकर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, और यही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। गुडविल जो ये ला रहा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल ले रही, कोई एडिशनल कंडीशन है नहीं साहब, तो हम क्या करेंगे, हम इस वाली गुडविल को भी इस रेशियो में बांटेंगे और इस वाली को भी इसलिए। बट याद रहे जब ये बांटेंगे तो इसको ओल्ड बोलेंगे, और जब ये बांटेंगे तो उसे सैक्रिफाइस बोलेंगे। कैसे बोलते हैं स्टार्टिंग करके देखते हैं। न्यू रेशियो निकालने को बोला नहीं है उसने, पर हम निकाल के दिखाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1 लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी
वन। हाँ जी साहब, सी का नया शेयर 1/7, रिमेनिंग शेयर 1 में से इसे घटा दो 6/7, इस 6/7 को किस किस को खिला दो, ए और बी। तो ए इज न्यू शेयर, ए इज न्यू शेयर 6/7 रिमेनिंग है इंटू 4/7, सेम बी इज न्यू शेयर 6/7 रिमेनिंग है इंटू 3/7, 24/49, 18/49, तो न्यू रेशियो आ जाएगा साहब 24/49, 18/49 और 1/7, 24, 18, 42 और 7/49। क्लियर दोस्त? जी साहब क्लियर है। सेक्रीफाइजिंग रेशियो सबको पता है, बच्चों को क्या आने वाला है, 4:3 जादू से आएगा। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सबसे पहले ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? सर ए का पुराना क्या था, 4/7, 3/7, फिर बी का था ये रहा 24/49 और 18/49, 7/4 = 28, 4/49, 3/49, ये आ गया आपका सेक्रीफाइजिंग रेशियो बराबर 4:3, यही आना था, यही है ओल्ड और यही है सेक्रीफाइस। चलिए पहले गुडविल बांटते हैं बेटा ओल्ड रेशियो में। तो कैसे बढ़ती है गुडविल? गुडविल का खुद का बैलेंस है डेबिट, खत्म करने के लिए करिए क्रेडिट। ओल्ड थी गुडविल और ओल्ड था पार्टनर, ओल्ड थी गुडविल और ओल्ड था पार्टनर, बैलेंस शीट भी थी ओल्ड, तो ओल्ड पार्टनर्स के साथ ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए के, 2,80,000 के, 2,80,000 इंटू 4/7, 1,60,000 और 1,20,000। बींग गुडविल रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो,